हाँ पंचम, बोलो क्या सोचा है तुम? मौसी की तकलीफ है उनके मन का डर कि कहीं उनके बच्चे को कोई मार ना डाले। लेकिन ये डर ही है ना, बच्चे के तस्वीर पर चाकू मारने वाले ओवरकोट वाले को तुमने भी देखा था, देखा है ना? हाँ, सवाल ये उठता है कि वो ओवरकोट वाला इंसान है कौन और वो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मौसी को तंग करने वाला आदमी कमलेश के सिवा और कोई नहीं हो सकता। कमलेश तो बहुत घटिया किस्म का इंसान है, वो मौसी को तकलीफ में देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग कैसे क्या करें? तुमने कुछ सोचा है? मेरे हिसाब से हमें उन दुकानों में जाकर पूछताछ करनी चाहिए जहां से वो चीजें खरीदी गई थी, और वहां से उस खरीदने वाले का हुलिया भी पता करना चाहिए। और उसी हुलिये से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो इंसान कमलेश है या नहीं। करेक्ट, आई थिंक वी शुड डू दिस, कम ऑन लेट्स गो। ओए ओए रंजीत, क्या बात है, बड़ा खुश दिख रहा है आज यार। मयूर, मयूर मेरे भाई, जब जीत की दहलीज पे खड़े हो ना तो चेहरे पे रौनक आ ही जाती है। ओए, तेरे चेहरे पे रौनक के साथ साथ ये जुबान पे शायरी भी आ गई है। कम वक्त इश्क है जो, यार ये इश्क चीज ही ऐसी है, मुझे जैसे सो सो आदमी को भी शायर बना ही देती है। तेरी इश्क तो मेरे समझ के बाहर है यार, तो चाहता क्या है मेरे भाई? कभी तू उसे तड़पाना चाहता है, कभी रुलाना चाहता है, और कभी उसे दिल लगाना चाहता है। दिल मेरा तो कब से दिल में है, लेकिन बीच में पंचम आ गया, और जो कांटे को बाहर निकाला तो जाने मन को हल्की सी तकलीफ तो सहन करनी ही पड़ेगी। क्यों? और तुझे लगता है तू उसके साथ में इतना सब कुछ करेगा और वो तुझे अपना लेगी? मेरे दोस्त, जब दिल टूटा हो ना उस वक्त सिर्फ हमदर्दी के कांधे की जरूरत पड़ती है। आप अपना कांधा आगे कर दीजिए, सामने वाला अपने आप कटे हुए पेड़ की तरह आपकी झोली में आके गिर जाएगा। संभाल के। रंजीत, तुझे क्या लगता है मीरा को पता नहीं चलेगा कि पंचम को उसके दूर करने में तेरा हाथ है? दोस्तों, निशाना मेरा होगा लेकिन कांधे किसी और के होंगे, होगा वही जो रंजीत चाहेगा। मीरा और पंचम की नजरों में मैं वो नहीं रहूंगा, वो रहेंगे सिर्फ मीरा की माँ और पंचम के घर वाले। मैंने तो मीरा को चाहा है, अब तुम लोग देखना, वो दिन दूर नहीं जब मीरा के घर वाले अपने आप मीरा को मेरी झोली में डाल देंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मन का डर निकाल दे, मैं तेरे साथ हूं। डर इंसान को कमजोर बनाता है और दुश्मन का हौसला बढ़ाता है। तुम भी मन से डर निकाल दो रायश्री, कुछ नहीं होगा। तुम निर्दोष हो, मासूम हो, भगवान तुम्हारे साथ है। मां बिल्कुल ठीक कह रही राशि, क्यों डरती हो इतना? अंकल, मौसी, हम लोगों ने पता लगा लिया, हुलिये के हिसाब से वो आदमी शायद मौसा जी थे। क्या कह रहे तुम? अगर वो कमलेश था तो मेरे बच्चे को मार डालेगा। मैंने आपसे कहा था ना, वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। माँ जी साहब, क्या बात है साहब? ये बुके भेजा है राजश्री मैडम के नाम। किसने भेजा? पता नहीं साहब, जैसे ऑर्डर मिला हम डिलीवरी देने चले आए। वैसे इसमें एक चिट्ठी रखी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसने भेजा। थैंक यू। रहने दे, अशोक देख लेगा। नहीं माजी, मैं पढ़ूंगी चिट्ठी। राज, एक मिनट जी। माय डियर राजू, ये जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम मां बनने वाली हो, और ये बच्चा मेरा ही है इसकी मुझे पूरी गारंटी है, क्योंकि तुम्हारा जीजाजी बड़ा ही शरीफ आदमी है, वो गड़बड़ कर ही नहीं सकता। अब आखिर मेरा बच्चा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना तो मेरा फर्ज बनता है ना, इसलिए कुछ सामान भेज रहा हूँ और भेजता रहूँगा।
जैसे ही ये पुलिस का मामला खत्म होगा उसे लेने आ जाऊंगा। उम्मीद है तब तक एक अच्छी माँ की तरह तुम उसका पूरा ख्याल रखोगे। तुम्हारा अपना भी कभी था कमलेश। माय डियर राजू, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। ये बच्चा राजनी, क्या हुआ? अरे ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इस बच्चे को मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। तू चिंता मत कर, कोई नहीं लेगा तेरा बच्चा। वो बच्चा मेरा है, मुझे सिर्फ मेरा है वो बच्चा। ये बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। ये बच्चा सिर्फ मेरा है माजी, सिर्फ मेरा। आप लोग क्यों मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरी खुशी किसमें है। मीरा, कोई भी तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर मैं विक्की की तारीफ कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि इसलिए कि वो एक बहुत अच्छा लड़का भी है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हाँ बेटा, वो सुशील है, कल्चर्ड है और एंटरप्राइजिंग भी है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और जिसे तुम अपनी खुशी मानकर चल रही हो उसमें तुम्हारी खुशी नहीं है। That's just an illusion. Right. आप तो ऐसे ही कहेंगी ना? मीरा, मॉम तुम्हारी दुश्मन नहीं है। आखिरकार वो जो भी कर रही है सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही ना। अगर हर माँ अपनी बेटी की भलाई इसी तरह चाहेगी तो कोई भी बेटी अपनी माँ से भलाई की उम्मीद रखेगी नहीं। पर बेटा तुम एक बात क्यों नहीं समझती? जिसे तुम पसंद करती हो उसने अपनी मौसी का कहना मानकर तुमसे मुंह मोड़ लिया, फिर आप किसका इंतजार कर रही हो? बेटा समझने की कोशिश करो, तुम्हारे आंसुओं पर मेरा दिल दुखता है। वक्त हर जख्म भर देता है, तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। मैं इसके लिए दुआ करूंगा। पापा आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ आप आपकी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह पंचम अपनी मासी के लिए कर रहा है। लेकिन जब पंचम अपनी मासी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं भी आपके लिए कर सकती हूँ ना? पापा आप जहाँ चाहे, जहाँ भी चाहे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को आपकी खुशियां मुबारक हो। ये उसी की आवाज है, उसी की आवाज है। माँ जी, माँ तेरा बच्चा मैं हूं ना? पंचम ने मुझसे वादा किया था। पंचम कहां है? पंचम, पंचम, पंचम,
और कुछ मत सोचो पंचम, मीरा जैसी मोहब्बत तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। प्लीज रिया, इस टॉपिक को छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? उस लड़की की तड़प हमसे देखी नहीं जाती और तुम्हारे अंदर भी वो मोहब्बत मरी नहीं है। And I'm sure कि मीरा भी अपनी मोहब्बत को कभी मरने नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि तू ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो रात गई बात गई पॉलिसी में बिलीव करता हो। लेकिन राहुल, मैं इस तरह का इंसान भी नहीं हूँ जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को रुलाए। वही तो कर रहे हो तुम, क्या मीरा को रुला नहीं रहे हो? तुम दोनों के अलग होने से किसको खुशी मिलने वाली है? पंचम, हम ये तो नहीं कह रहे कि तू अपने रिश्ते के लिए अपना घर द्वार, रिश्ते नाते सब कुछ भुला दे। क्या तुम्हारा रिलेशनशिप इतना वीक है कि विदाउट कोई जेन्युइन रीजन तुम उसे तोड़ दोगे? तुम दोनों को अलग हुए वक्त ही कितना हुआ है जानते हो? इस दर्द में वो लड़की इस कदर टूट गई है कि उसने अपने पापा से कह दिया है कि वो जहां उसकी जिंदगी का फैसला करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन पंचम की जगह कोई नहीं ले सकता। चलो अच्छा, अगर उसका घर बस गया तो उसे मुझे भूलने में आसानी हो जाएगी। और अगर वो नहीं भुला सकी तो? शादी के बाद भी तुम्हारे यादों में वो खोई रही है और ये वजह उसके पति को मालूम पड़ी तो क्या होगा? उसका घर टूटेगा, उसकी बदनामी होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मीरा। क्या? इंसान जो कुछ भी पाता है और खोता है ये उसके कर्मों का नतीजा होता है। अगर मीरा मुझे नहीं मिलेगी तो ये मेरे कर्मों का फल है। और राहुल, अगर मीरा की जुदाई में मैं आंसुओं में डूब जाता हूं तो ये मेरे कर्मों का नतीजा है। इसलिए जब उसकी शादी हो ना, तब उसकी विदाई के समय उसको मेरी तरफ से सलाह दे देना कि घर से जा रही हो मां बाप की इज्जत बनकर, बेइज्जती बनकर मत लौट। छोड़ दो पुरानी यादों को, उनको पलट कर भी मत देखना। फ्रेंड्स, हमारे माँ बाप हमें बड़ी उम्मीदों से पालते हैं और हम उनको किसी भी हालत में तकलीफ नहीं दे सकते। अशोक जी आइए। विकल साहब आइए। हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। कहिए क्या बात है? विकल साहब, आप मेरी साली दाशी को तो जानते ही हैं। जी हाँ। उसी का एक छोटा सा मसला है जिसके बारे में आपसे एक लीगल सजेशन चाहिए थी। टीना भाई, वकील साहब के लिए चाय पानी लेकर आओ। और सुनो, राशि से कह देना कि वकील साहब आ गए। जी पापा। पहले पानी भिजवा देना। या। आइए वकील साहब, बैठिए। या, थैंक यू। प्लीज। कहिए अशोक जी, केस क्या? वकील साहब, राशि का उसके पति कमलेश से डिवोर्स हो चुका है और अब हालात ऐसे हैं कि राशि कमलेश के बच्चे की मां बनने वाली है। आई एम सॉरी मिस्टर अशोक, बट लीगली उनके बच्चे के साथ इनके पति का ही नाम बाप होने की हैसियत से जुड़ेगा, इसीलिए कमलेश का ही इस बच्चे पर कानूनन हक बनता है। आई एम सॉरी मिस्टर अशोक, बट लीगली उनके बच्चे के साथ इनके पति का ही नाम बाप होने की हैसियत से जुड़ेगा, इसीलिए कमलेश का ही इस बच्चे पर कानूनन हक बनता है। अगर कमलेश मेरे बच्चे को लेके तो क्या जिंदगी बनेगी उसकी?
उसी की तरह शराब पी, मवाली, धोखेबाज बनने का। अगर उसकी तकदीर में यही लिखा है तो अच्छा होगा कि उस दुनिया में ना आए। हमारी मोहब्बत खुदा से भी ज्यादा प्यारी है। हमारी मोहब्बत जान है, ईमान है, इबादत है, धर्म है, खुदा है और खुदाई है। लैला, ठीक है पंचम, अगर तुम यही चाहते हो और तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं चली जाती हूँ। मीरा मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मौसी के कमरे से ये कैसी आवाज? मौसी, मौसी, क्या है पंचम? नहीं मौसी, कुछ आवाज आई थी, सब कुछ ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जाकर सो जा। मौसी की आवाज ऐसी भारी सी क्यों लग रही है? मौसी दरवाजा खोलो ना। क्यों? नहीं कुछ जरूरी बात थी। मुझे बहुत देर हो गई है, अभी तू जाके सो जा, मैं सवेरे बात करूंगी। मौसी सिर्फ दो मिनट के लिए खोल दो। कहा ना पंचम, सुबह बात करेंगे। मौसी ये क्या कर रही हो? मौसी, 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 मौसी ये मत करना। मौसी, डैड, मौसी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? क्या हुआ पंचम? डैड, मौसी खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। What? मौसी दरवाजा खोलिए। मौसी क्या कर रही हो? राशि दरवाजा खोलो। मौसी दरवाजा खोलिए। मौसी, दरवाजा खोलो। राशि क्या पागलपन कर रही हो ये? मौसी, मौसी, दरवाजा भी अंदर से बंद किया हुआ है। जल्दी, राशि, राशि, मौसी, दरवाजा खोलो। राशि, मौसी,